गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जस्ट 2 सेकेंड्स बेटा, 1-2 मिनट दीजिए, विल स्टार्ट आवर क्लास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम निकालने के लिए अपने पास अलग अलग तरीके हैं। तो सिस्टम का पोटेंशियल ये बोल सकता हूं कि मैं दैट इज, ये तो हमेशा वैलिड है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू असेंबल क्या द सिस्टम। किसको असेंबल कर रहे हैं? सिस्टम को असेंबल कर रहा है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो गिवन बाय, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी। सो पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से निकाल जाते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको और एक रिलेशन मिल जाता है, मगर आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। ये भी आपको एक दिखती है, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम देखा मैंने, 3 बिट्स में आंसर का क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो आपको एक्सप्रेशन निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है? एक्सप्रेशन निकालना है, ओके। तो क्वेश्चन इज, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे चार्जेस, इक्वल चार्जेस है क्यू, ए बी सी, इनका डिस्टेंस ए ले लिया है, इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, फाइंड द पोटेंशियल इन सिस्टम, कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड, ठीक है, टू डिक्रीज द साइड ऑफ द ट्रायंगल टू ए बाय टू, ठीक है। चलो फर्स्ट पूछा है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्या है, सेकेंड पूछा है वर्क डन, अगर कोई फोर्स नहीं बोला तो एक्सटर्नल फोर्स ही लेना है, वर्क डन इन डिक्रीजिंग द साइड ऑफ ट्राइंगल टू ए बाय टू, नहीं सॉरी इसको अलग करता हूं मैं, ए बाय थ्री, ठीक है। और थर्ड बिट है, इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड इनिशियल पोजिशन से फाइंड द स्पीड ऑफ चार्जेस, फाइंड द स्पीड इफ ईच पार्टिकल व्हेन दे लाई ऑन द ट्रायंगल ऑफ साइड टू ए, फाइंड द स्पीड ऑफ चार्जेस व्हेन दे लाई ऑन ट्रायंगल ऑफ साइड टू ए, एम मास ऑफ ईच चार्ज। फिर ये थोड़ा बदल दिया मैंने क्वेश्चन, बाकी सब ठीक है, ठीक है। क्या बोला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड है ए, ठीक है, साइड क्या है ए, और वहां पे 3 चार्जेस लगाए, क्यू क्यू और क्यू, स्मॉल क्यू लेटर्स। आपको पूछा है कि इसके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये निकाल लोगे आप। वर्क डन इन डिक्रीजिंग द साइड ऑफ द ट्रायंगल बाय ए बाय थ्री बोला है, ठीक है, वो भी निकाल लोगे आप, वेरी गुड वेरी गुड। और लास्ट पूछा है कि अगर सिस्टम को रिलीज किया है इनिशियल, मतलब ये वाले ए के डिस्टेंस से, जब टू ए उसका साइड बनेगा ट्राइंगल का, तब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना होगा। चलो बच्चों एकदम आराम से, कोई गड़बड़ नहीं बेटा,
निकल रहा। यस स्टूडेंट्स, क्या आंसर आएगा? स्टूडेंट्स, लास्ट बिट का आंसर करना है सभी ने, वो इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं यहाँ पे। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आई थिंक सभी को आया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड साक्षी, सबका लड़े आ रही है, सब जन सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं। चलो वो कर लगा देता हूँ। फर्स्ट सिस्टम का डायरेक्ट लगा दो, हर एक के चार्जेस सेम है, ठीक है, और डिस्टेंस भी सेम है। तो के क्यू स्क्वायर बाय ए इंटू थ्री, यह रहेगा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पहले ए बी का लोगे, फिर बी सी का लोगे, फिर सी ए का लोगे, सभी चार्जेस सेम है इसलिए क्यू स्क्वायर, सभी का डिस्टेंस सेम है इसलिए ए, तीन टर्म्स आ रहे इसलिए थ्री। सेकंड, उन्होंने बोला कि ये जो ट्राइंगल है श्रिंक हो गया है ए बी सी ए बाई टू पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या पूछा है उन्होंने, वर्क डन पूछा है। क्या पूछा है? वर्क डन। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। U final क्या रहेगा, पहले U initial निकाल लेते, U initial आ गया ना, this is U initial, ठीक है। तो U final क्या होगा, फिर से सभी के बीच में डिस्टेंस सेम है और चार्जेस सेम है, तो K Q square ऊपर और डिस्टेंस क्या है A square by 4, तो इसको मैं ऊपर लगा दूं डायरेक्टली, तो ये बन गया 4 ऊपर, ठीक है। सो आपको क्या निकालना है, वर्क डन इन, सो वर्क डन कितना बनेगा, वर्क डन बनेगा K Q square by A square, ये 4A minus K Q square by A square, तो ये बनेगा, सीधा सीधा लिख देते हैं यहाँ पे 3 K Q square by A square। Third bit, if the charges are released, अब यहाँ पे kinetic energy बढ़ेगी क्योंकि कौन सा force act होगा external, electrical force act होगा, क्या act होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से वर्क डन होगा, मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, ठीक है, वर्क डन कौन करेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। अब यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी जीरो, या सीधा सीधा लिख देता हूँ, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल शुड बी इक्वल टू के फाइनल माइनस प्लस यू फाइनल, ये अपने को ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, ठीक है। ओके चलिए, आपने को निकालना है के फाइनल, इसमें के इनिशियल जीरो है, ठीक है। सो के फाइनल क्या बनेगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल, अब यू फाइनल निकाल लेते, यू फाइनल क्या बनेगा, के फिर से चार्जेस क्यू स्क्वायर, तीन टर्म्स है, अरे यार कुछ तो भूल गया मैं, अरे यार ये फोर और यहाँ पे थ्री टर्म्स है, तो ये बनेगा 12 K Q square by A square, so ये 12 आएगा और ये बनेगा 11। चिल्लाना चालू होगा होगा वहां पे, बहुत ही मिस्टेक्स के हो गए यहाँ पे। A square ले लिया मैंने, A है वो, ए स्क्वायर नहीं है, ए है, ए का यहाँ पे थ्री है और ये टू बनेगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर के साथ ये भी ले लिया तो ये टू ए, ठीक है। तो के फाइनल क्या बनेगा, यू इनिशियल कितना है, के
क्यू स्क्वायर बाय ए माइनस के थ्री थ्री के क्यू स्क्वायर बाय टू ए, यहाँ पे थ्री के क्यू स्क्वायर बाय टू ए, ये रहेगा के फाइनल। सो वेलोसिटी क्या बनेगी, वेलोसिटी का स्क्वायर यहाँ पे लिखता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये टू कट हो गए, वहां से आके डिवाइड हो गया, तो v बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री के क्यू स्क्वायर, ये चले गया टू एम, टू चले गया ए इंटू एम, यही आया एक्सप्रेशन, देख लीजिए, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग। अभी k का वैल्यू लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे 1 बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, लगा दो, यस क्लियर है, अभी बोलिए बेटा क्या डाउट है आपका। यस नेहा बोलो बेटा क्या डाउट है सर, वहाँ a by 2 है तो नीचे a by 2 आएगा ना, 3k q square by a by 2, कहाँ पे ये a by 2 है ना, हाँ सर, तो 6 बनेगा 6, अरे यार ये पूरा क्लियर हुआ ही नहीं, ठीक है अभी 5 है, यस सर, है ना, बाकी सब तो ठीक है ना, हाँ अरे इसमें गड़बड़ी कर दिया था मैंने, यस थैंक यू नेहा सर, नीचे भी होगा ना, नीचे ये 2a बराबर लगा है ना, थर्ड बिट के लिए पूछ रहे हो क्या आप, ये 2 ऊपर गया 6 बना, ये सेकंड बिट तो क्लियर हो गया सभी को, 5k q square by a आया, ठीक है सेकंड थर्ड बिट में देखो, अभी k इनिशियल 0 k फाइनल बचा है, तो u इनिशियल माइनस u फाइनल, u फाइनल कितना है 2a आ गया, साइड 2a बनी ना, 3 ऐसे ही रहेगा, तो ये 3 by 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 by 2 बचेगा, 2 कट हो गया हाफ एम वी स्क्वायर का, ओके यस सर, ओके बेटा, यस स्टूडेंट्स, चलिए अब और एक छोटा सा प्रॉब्लम दे देता हूँ, हाँ इस टाइप के प्रॉब्लम थोड़े ज्यादा पूछते हैं, क्लियर है, किसी को कोई भी गड़बड़ नहीं है, ओके चलिए देखते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज पार्टिकल एन अल्फा पार्टिकल एंड 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब मैं बताता हूं आपको, इस हेडिंग टुवर्ड्स एन एटम ऑफ जेड इक्वल्स टू 50, एन एटम ऑफ जेड इक्वल्स टू 50, फाइंड the distance of closest approach, ठीक है, so question का मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, ये ची 2 4, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है प्लस 2, और यहाँ पे एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 50, ये हीलियम न्यूक्लियस बोले तो अल्फा पार्टिकल और ये एटम, ठीक है, सपोज ये 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब एम ई वी ये क्या है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको किसमें निकालना है, डिस्टेंस तो मीटर में निकालना पड़ेगा, सो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले तो मिलियन बोले तो कितना बनेगा, 10 टू पावर 6
इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये चार्ज, ठीक है। सो इसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, वहां लगा दिया है नंबर मैंने, ठीक है। आप यहां एक बार ध्यान दो, मैं प्रॉब्लम समझाता हूं आपको। यस साक्षी, क्या हुआ बेटा? सर सेकंड बिट जो है ना, हाँ, तो फिर आपने साइड इज डिक्रीजिंग बाय ए बाय 2 लिखा, तो फिर आपने साइड, अरे मैंने सिस्टम का बताया था कि ए बाय 3 से मैंने क्वेश्चन चेंज किया था, है ना? यस सर, ठीक है ठीक है। यस स्टूडेंट्स, अभी क्या करो, इस पे फोकस करो, ये वाले प्रॉब्लम पे फोकस करो, ठीक है, अपन कर देते लास्ट क्लास को, ठीक है, ओके बेटा। यस स्टूडेंट्स, तो सभी का ध्यान यहाँ पे, देखो क्या बता रहा है प्रॉब्लम। फर्स्ट वाला प्रॉब्लम मैं आपको लास्ट में फिर से रिपीट कराता हूँ उसको, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन को चेंज किया था और मैंने सोल्यूशन वही क्वेश्चन को रीड करके कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्वेश्चन बताया कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज हेडिंग टुवर्ड्स एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर 50, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक एटम है जिसकी एटॉमिक नंबर क्या है, 50 है। अब ये वाले जो प्रॉब्लम रहेंगे ना, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, अब एटम नहीं, एटम का जो स्टेशनरी न्यूक्लियर, अच्छा तो ऐसे बताना चाहिए, टुवर्ड्स अ स्टेशनरी न्यूक्लियर, स्टेशनरी न्यूक्लियर मतलब एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर 50 है, मतलब उसके पास कितने प्रोटॉन्स है, 50 प्रोटॉन्स है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगी, क्या रहेगी, पॉजिटिव चार्ज रहेगी, स्टेशनरी है मतलब रेस्ट पे है, ठीक है। इसके ऊपर क्या रहेगी, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगी, आने वाले अल्फा पार्टिकल, अब अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज है, प्लस टू, है ना। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है, प्लस टू, किसी सभी को ये बात तो क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो व्हेन हीलियम न्यूक्लियस इज अप्रोचिंग द स्टेशनरी एटम, ठीक है, व्हेन हीलियम न्यूक्लियस इज अप्रोचिंग द स्टेशनरी एटम, व्हाट विल हैपन, इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज रिपल करेगा। तो ये 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा है, उन्होंने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये आएगा, इसको रिपल करेगा, ये कब तक रिपल करेगा, जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, इसके एक बार वेलोसिटी जीरो गई फिर ये दूर चल जाएगा, रिपल वाला फोर्स एक्ट हो जाएगा ना, ठीक है। मतलब ये आते आते नजदीक आते आते कहीं ना कहीं तो ऐसे डिस्टेंस पे आएगा जो आर इससे नजदीक और नहीं जाएगा, अब इसके पीछे चल जाएगा। तो क्लोजेस्ट अप्रोच इज द मीनिंग, ये है उसकी मीनिंग, ठीक है। अब यहां से आपको क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस निकालना, ठीक है। तो रादर देन प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट सोल्यूशन, इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। फिर मेरे को इतना बताओ कि क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालना है, ये बताओ। अब देखो, ये अल्फा पार्टिकल और ये 50Z का न्यूक्लियर, यही अपना सिस्टम है, दिस इज आवर सिस्टम, और आइसोलेटेड है, मतलब बाहर का कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है ये चार्ज पे या किस पे। अब यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट हो रहे, सब इंटरनल फोर्स एक्ट हो रहे, है ना, सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स है रिपल्शन का, किसके बीच में, ये दोनों के बीच में, ठीक है। तो अभी रिपल करेगा, मगर वो आएगा क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, कब तक, जब तक ये फोर्स की वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो बन जाए, अब डिसेलरेशन होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे, हाँ वेरी गुड साक्षी, एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेशन मतलब कंजर्वेशन एनर्जी, ये अप्लाई करना पड़ेगा। इनिशियली पूरे सिस्टम के पास कितनी एनर्जी थी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, किसकी, ये वाली हाफ एम वी स्क्वायर नहीं बोलूंगा, 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये एनर्जी कौन खाएगा, ठीक है, कौन खाएगा इसकी एनर्जी। अब देखो, ये क्लोजेस्ट अप्रोच पे सेकेंड स्टेप, इनिशियल स्टेट कौन सा है, जब इसके पास 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसके पास जीरो एनर्जी है, और जब ये अप्रोच कर रहा है, इसकी प्लस टू है, इसकी प्लस 50 है, तो ये रेस्ट पे रहेगा, इसकी मास ज्यादा रहेगी, इसके पास दो ही है ना, ठीक है। सो ये अप्रोच करेगा, सो इन्हीं फाइनल स्टेट कौन सा रहेगा, जब ये एकदम नजदीक आ गए, आर आपका क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस, ठीक है। उस केस में एनर्जी क्या रहेगी,
अल्फा पार्टिकल की जीरो क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो बन गई, और न्यूक्लियर की भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, मगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली वो इन्फिनिटी से आ रहा है। अल्फा पार्टिकल कहाँ से आ रहा है नहीं बताया तो अपन इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे, जब इसका कुछ इफेक्ट है उसके ऊपर नहीं, मगर ये खुद इसके 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसके पास जा रहा है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट वो रहेगा, फाइनल स्टेट ये रहेगी। इनिशियल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, फाइनल स्टेट में दोनों की काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इनिशियल स्टेट में सिर्फ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी है, न्यूक्लियर को नहीं है, ठीक है। और फाइनल स्टेट में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसकी चार्ज, इसकी चार्ज मालूम है, इसका डिस्टेंस आर वो निकालना है अपने को और के से मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक एवरीवन इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। अभी आए आंसर निकालो, अभी कैलकुलेटिव बेटा, ठीक है। इसका मैं एक्सप्रेशन निकाल के देता हूँ आपको, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है, कैलकुलेटिव है। और इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं, एमसीक्यूज एवरीथिंग विल बी ऑलवेज बी देयर। अभी क्लियर है ना? अरे क्या हो रहा क्या इसको? स्क्रीन स्टक? नो, स्क्रीन स्टक नहीं है, देखो एक बार। आप लोगों के लिए कर दिया मैंने फिर भी। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब एसीबी भी कराना है इसका मेरे को, थोड़ा स्पीड पकड़ो। वेरी गुड रेखा, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। सही में सॉल्व किया कि वो बुक में से आंसर देख के बता? इलेक्ट्रॉन उसको कन्वर्ट करो बेटा, चार्ज क्या ले रहे हो, देखो वहां पे चार्ज क्या ले रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपका इनिशियल पोजीशन कौन सा बनेगा, ऐसे सीधा लिख देता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक है। यू एफ क्या बनेगा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। अब यहां देखो Q1 कितना है, इसको ले लिया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 2e लिखूंगा इसके ऊपर। और Q2 क्या बनेगा, 50 प्रोटॉन्स है तो 50e बनेगा, क्या बनेगा, 50e बनेगी। ओके चलिए, अब यहां पे ध्यान दो। ओके सो यहां से समझ में आ रहा है कि यू फाइनल शुड बी इक्वल टू के इनिशियल। U फाइनल कितना है, K Q1 Q2 by R equals to K initial, ठीक है।
मेरी एक गंदी आदत है, मैं आर स्क्वायर लेता हूँ, इसमें मैंने प्रॉब्लम्स गलत भी किए हैं, ठीक है। सो बीच में अगर कभी ले लिया तो मेरे को बता दे, जो लास्ट क्लास में लास्ट प्रॉब्लम में लिया था मैंने, ठीक है। ये के इनिशियल कितना है, 10 मिलियन इंटू 10^6 इंटू ई, इसको ई लिख दूं मैं, 1.6 × 10⁻¹¹। के का क्या है, 9 × 10⁹। पहले क्या करता हूँ, एक्सप्रेशन निकालता हूँ के, तो ये आर निकालना है अपने को। तो आर विल बी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन 10^7 ई। ये 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 7 कर दिया और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लगा दी। के कितना है, 9 × 10⁹, 50 ई, 2 ई अपॉन 10^7 ई। ये ई ई चले, ये 10^7 ऊपर गया। R will be equal to 9 × 10^2 into 50 into 1.6 into 10^-19, है ना? So ये एक जीरो और ये दो जीरो, तीन कम कर दूंगा 10^-. तो नंबर्स पहले लिख दो, 9 × 5 × 1.6 into ये 10^-16। 5 × 1.6 क्या बनेगा, 0.38। So 9 × 8, कुछ मिस किया क्या मैंने यहाँ पे, 2 मिस किया। × 10^-16 इक्वल टू 144 × 10^-16 मीटर्स, ये है आर, ठीक है। एक है यूनिट 1 FM विच इज 10^-15 मीटर्स, आंसर उसी में दिया, इसलिए अब इसको माइनस 15 करना है तो एक डॉट यहाँ पे लेके आना है। तो आर इक्वल्स टू 14.4 फर्मी मीटर, आर इक्वल्स टू दिस। आसान था कैलकुलेशन, कोई बड़ी बात नहीं थी उसमें। आई थिंक ऑल ऑफ यूर able to do that. चलिए, is it clear? कोणाला काही doubt आहे त्याच्यामध्ये? सगळ्यांना clear आहे बेटा? कोई भी problem? वेरी गुड। चला अजून एक प्रॉब्लेम लिस्ट करतो आपण, कल इसमें वो सेल्फ एनर्जी वाला करा देता हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर इसमें, ये वाला डायरेक्शन में, एक रॉड बॉब M, Q ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन इक्वल्स टू Mg/Q, ये इसका मैग्नीट्यूड है Mg/Q। ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी। इफ द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम पोजीशन ए find its angular velocity at position B. Position B वर त्याचा angular velocity काढायचं, ठीक आहे। अगर क्वेश्चन रीड करना है, पार्टिकल ऑफ मास m having charge q is attached to a end of light insulated rod. If the particle is released from the position as shown,
फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड व्हेन इट पासेस थ्रू द बॉटम. पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी निकालना पसंद है, कोई बड़ी बात नहीं. एंगल 45 डिग्री. थैंक यू सुमित. थीटा इज 45 डिग्री. Yes, students. एक दो अच्छे क्वेश्चन है और कर देंगे. Yes, गोपाल मीटर में रहा तो चलेगा बेटा, मगर वो ऑप्शंस पे डिपेंड होता है ना. कम ऑन स्टूडेंट, व्हाट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी. इथं परत आपल्याला एनर्जीज बॅलन्स करावा लागणार. टॉर्क काढून ओमेगा काढायला ते काय अल्फा कॉन्स्टंट आहे का नाही. एनर्जीज लावायला लागणार आपल्याला. पोझिशन ए आणि पोझिशन बी वर एनर्जीज बॅलन्स करा, त्यातून तुम्हाला काय वेलॉसिटी भेटणार ऍट बी. वेलॉसिटी ऍट बी भेटलं की आपण ओमेगा ऍट बी काढू. सही आहे ना, की अँगुलर आहे सच्चे. ओमेगा कॉन्स्टंट नाही रहेगा सब तरफ, अल्फा ही कॉन्स्टंट नाही आहे. अल्फा इक्वल्स टू माइनस के थीटा बनेगा ना. सही है, जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है बच्चों. इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, दोनों को इक्वेट करो, वहां से वेलोसिटी निकालो. बी पे, बी पे वेलोसिटी होगी, ए पे तो वेलोसिटी जीरो है, बी पे वेलोसिटी रहेगी. मतलब चेंज इन काइनेटिक यू इनिशियल प्लस यू फाइनल शुड बी इक्वल टू के, सॉरी यू इनिशियल प्लस के इनिशियल शुड बी इक्वल टू यू फाइनल प्लस
ए फाइनल। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व हो भाई। क्या बोला है उन्होंने, तो मैं क्या करूंगा, टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये दिस इन दिस केस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव नेचर का है ना, तो टोटल एनर्जी एट ए क्या आने का प्लस पोटेंशियल। ये वाले प्रॉब्लम अपने बहुत बार सॉल्व किए बच्चों, याद है ये लिखता था मैं हमेशा, काइनेटिक एनर्जी एट ए जीरो है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या है, ठीक है, अब इसको यहां पे लिखा, ये थीटा लिया तो ये एल कॉस थीटा बनेगा, ये टोटल डिस्टेंस एल है, ठीक है, तो यहां से मैंने क्या करा, इसको सी बोल दिया, इसको ओ बोल दिया, ठीक है। सो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी प्लस सी बी, तो बी सी कितना बना, इसको बी सी बोल देता हूं, ओ बी माइनस ओ सी, ये अपन ने किया है एल ए ओ बी माइनस एल कॉस थीटा, ये है बी सी, मतलब बी सी विच इज द हाइट फॉलर, है ना, तो हाइट कितनी बनेगी, एल वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या है, एक ये है और एक व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी, क्या रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी, हाँ या ना, ठीक है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, बी से बी ए, बी ए पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए क्या बनना चाहिए, यस स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन B and A कितना बनना चाहिए, कोई बता सकता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस ई डॉट एल वेक्टर, या डीएल लगा देता हूं, नहीं डीएल नहीं लगा सकता, आर लगा दूंगा, कितना डिस्टेंस मूव हो रहा है, आर का वैल्यू क्या लेना है, यहां पे आर का वैल्यू क्या लेना है, देखिए ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, तो आपको ये वाला कंपोनेंट लेगा आर का, या ये वाला, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा माइनस ई एल साइन थीटा, सही है, क्या बना ये माइनस ई एल साइन थीटा, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, ये कहाँ पे रहेगा, पॉइंट बी पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, पॉइंट बी पे रहेगा, ठीक है। अब पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एम जी एच, सही है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एम जी एच, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम किया है, तभी ये वाला पोटेंशियल एनर्जी यहां पे ले सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना है,
माइनस क्यू, क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस को एस साइन थीटा। ये क्लियर है बच्चों? एच निकाल दिया अपन ने, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? कोणाला काही पण बाधा याच्यामध्ये पाहून घ्या आहे तर विचारून घ्या। हे ए वर पोटेन्शियल एनर्जी किती आहे? MgH। इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी झिरो, क्योंकि आप यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो यहाँ पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी दिस पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ये रहेगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे हाइट जीरो कंसिडर किया तो मैं इसको क्या करता हूँ अलग तरीके से लिखता हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए ड्यू टू ग्रेविटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए ड्यू टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना है? MgH। और इलेक्ट्रिकल की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब ये जीरो है प्लस माइनस क्यू ई एल साइन थीटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये पोटेंशियल एनर्जी एट बी बनेगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं ना, पर पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहा अभी मैं, ठीक है। क्लास के स्टार्टिंग में हो जाता है कभी कभी कैलकुलेटिव पार्ट, क्वेश्चन को चेंज किया तो हो जाता है मतलब क्वेश्चन को। वेरी गुड साक्षी, नहीं 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 साक्षी गलत है, तू जी गलत है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी एट B will be equal to potential energy at A minus potential energy at B. Potential energy at A कितना है? MgH minus, तो ये plus बन जाएगा Q E L sin theta, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो M G L 1 minus cos theta plus Q E L sin theta, ये this is equal to half mv square। मास से डिवाइड किया तो वेलोसिटी का स्क्वायर बनेगा 2gl 1 माइनस कॉस थीटा प्लस क्यू ई बाय एम एल साइन थीटा, एल कहा गया था, एम से डिवाइड किया तो ये यहाँ पे एल है ना, नहीं एक से एम से डिवाइड कर दिया, टू से मल्टीप्लाई किया तो टू यहाँ पे भी आया यहाँ पे भी आया, सही है। एम से डिवाइड किया यहाँ पे एम चले गया यहाँ पे एम डिवाइड आ गया, ओके। सो वी स्क्वायर बनेगा टू, जी को क्या लेना है? टेन ले लेंगे, नहीं जी को जी रखते हैं, जी के टर्म्स में अपन क्या करते पहले कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से, चलो टू जी एल वन माइनस वन बाय रूट टू प्लस टू क्यू ई, कितना है? एम जी बाय क्यू है और नीचे एक एम है, और एल साइन थीटा की जगह एल बाय रूट टू लगा देता हूँ तो यही लगा सकता हूँ उसको मैं, एल बाय रूट टू, ये क्यू चले गए, एम और एम चले गए, तो जी बच्चा ये बच्चा टू जी एल रूट टू माइनस वन बाय रूट टू प्लस टू जी एल बाय रूट टू, देखिए करेक्ट है क्या? ये ई की जगह एम जी बाय क्यू लगा दिया, क्यू क्यू कट हो गया, एम एम कट हो गया, टू जी एल रूट टू, टू जी एल कॉमन ले लिया, रूट टू माइनस वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू, ठीक है। तो ये कितना बनेगा? टू जी एल रूट टू कॉमन, डिनोमिनेटर में सेम है, रूट टू माइनस वन प्लस वन, तो ये क्या बना? टू जी एल। तो v कितना आया? स्क्वायर रूट ऑफ 2gl, ये है वेलोसिटी एट b, है ना। काइनेटिक एनर्जी एट b निकाल रहे थे अपन, क्या कर रहे थे? काइनेटिक एनर्जी एट b निकाल रहे थे। आई थिंक बोर्ड स्टक हो गया है। यस तुबा, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन बेटा, बहुत सही, वीडियो स्टक हो गया है, ऐसे ऑब्जर्वेशन बेसिस करते चार आंसर भी देते जाओ।
अब देखो स्टक नहीं है, क्या निकाला है, वी बी आ गया। ओमेगा क्या बनेगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू वी बी बाय रेडियस, रेडियस क्या रहेंगे एल, ये बना स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एल बाय एल। ओमेगा बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी आंसर है, या एक ही एल लगाना है तो टू जी बाय एल नीचे आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ले ले तो एल स्क्वायर बन जाएंगे। दिस विल बी द एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट बी, दिस विल बी द एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट बी, पहुंच गया कोणाला काही पण गडबड आहे याच्यामध्ये, क्लियर आहे की नहीं, ठीक है। अब आपको एक टेस्ट के लिए मैं बोलता हूं कि एक क्वेश्चन देता हूं, ये मैं संगेश से ले रहा हूं, सब्जेक्ट टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। आइडेंटिकल चार्जेस माइनस क्यू आर प्लेस एट द एट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब ऑफ साइड बी, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर चार्ज प्लस क्यू प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। माइनस क्यू चार्जेस आर प्लेस्ड एट एट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब ऑफ साइड बी, फाइंड सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पूछा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लस क्यू placed at the center of cube, the center of cube। अब ये थोड़ा इमेजिनेटिव है, सब्जेक्टिव है, आपने इसका आंसर इक्वेशन में लेके आना है, ठीक है। सो एक क्यूब है साक्षी, क्या है वो, माइनस क्यू चार्जेस लगाए हुए और आपको प्लस क्यू पे निकालना है, इस पे निकालना है प्लस क्यू पे। चलो मैं एक डायग्राम बना के देता हूं आपको, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच और इसका सेंटर पॉइंट हो, ये साइड कितनी है बी, तो ये बी रूट टू बनेगी, बी रूट टू और ये बी, सो डी एफ का डिस्टेंस बनेगा बी रूट टू का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर, तो ये बना थ्री बाई टू बी स्क्वायर, तो थ्री बाई टू बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा रूट थ्री बाई रूट टू इंटू बी उसका हाफ, सो रूट सिक्स बी, ये रहेगी डिस्टेंस हर एक पॉइंट की, सही है, हर एक चार्ज की उतनी रहेगी, और आपको पोटेंशियल एनर्जी इसका निकालना है तो हर एक चार्ज के वजह से रहेगा, आसान है यार ये लगाने, डिफिकल्ट रहेगा। डायगोनल की लेंथ कितनी है क्यूब की, डायगोनल की लेंथ कितनी है रूट थ्री बाय टू पूरा स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाय टू, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाय टू इंटू बी, यही आ रहा है। देखो ये डी जी डायगोनल ऑफ बेस बनेगा, है ना, डी से जी वो क्या रहेगा साइड रूट टू, अरे अच्छा अच्छा सॉरी, सो डिस्टेंस डी जी विल बी इक्वल टू बी रूट टू, डिस्टेंस डी एफ विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर, तो ये बना रूट थ्री बी स्क्वायर, सॉरी टू नीचे ले लिया था मैंने, ठीक है। और ओ से डी का डिस्टेंस विच विल बी इक्वल टू ओ से एफ का डिस्टेंस विच विल बी इक्वल टू ओ ए ओ बी
ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ ओ जी इक्वल्स टू रूट थ्री बाय टू बी। ये है हर एक चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस। आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। यस स्टूडेंट्स, सिस्टम से पोटेंशियल एनर्जी काढ़े कि नहीं? अच्छा, यू हैव सॉल्व दिस, वेरी गुड वेरी गुड। नेहा, समझ में आया यार मेरे को? अगर बेटा अभी भी डाउट है तो हाथ ऊपर करो बेटा। यस नेहा, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बढ़ेगा शायद। चलो करो, और एक होमवर्क प्रॉब्लम देता हूँ आपको। माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन 10 20। माइनस टू से माइनस वन के बाद में कॉन्स्टेंट एक के लिए दो V versus X graph is given. Draw the E versus X graph. ये स्टूडेंट्स, मैं थोड़े प्रॉब्लम जानबूझ के सेलेक्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है। ग्राफ V वर्सेस X का ग्राफ दिया है आपको, D E वर्सेस X का ग्राफ निकालना है। अब बैक टू दिस, पोटेंशियल एनर्जी, सो U विल बी इक्वल टू U ऑफ प्लस Q, कितना होगा? K, A के साथ, तो K Q माइनस आएगी या प्लस आएगी? क्योंकि एक चार्ज Q है, दूसरा माइनस Q है, और उसका डिस्टेंस कितना है? रूट थ्री बाय टू इंटू बी। और ऐसे कितने टर्म्स हैं इसका? इसके साथ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, बी के साथ एक, एट टर्म्स रहेंगे। कितने रहेंगे? एट टर्म्स। तो ये टू ऊपर गया तो 16 बन गया, तो ये बना माइनस 16 के क्यू स्क्वायर बाय रूट थ्री टाइम्स बी। ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लस क्यू। सही है? यस स्टूडेंट्स, कोणाला काय बाधा ह्याच्यामध्ये आहे तर विचारून घ्या। व्हेरी गुड व्हेरी गुड, यशस्वी। अच्छा, क्यूब वाला प्रॉब्लम देखो बेटा। नीचे का जो स्क्वायर है ना, नीचे का जो स्क्वायर है बेस का, ये बी है, ये बी है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाली जो डायगोनल बनेगी वो बी रूट टू देगी। बी रूट टू डायगोनल निकाल दिया। अब इमेजिन करो ये बी रूट टू बन गया, ये बी है, मेरे को वो कॉर्नर से वो कॉर्नर डायगोनल का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि सेंटर डायगोनल पे रहेगा, है ना?
तो ये रूट टू है, ये बी है, तो ये डायगोनल कितना बना, रूट थ्री बी, उसके सेंटर पे है तो हाफ रूट थ्री बाई टू का बी। ये है पॉइंटो का डिस्टेंस हर एक वर्टाइसेस से, सही है ना? तो हो गया, वही कर दिया, एक का लिया, सपोज एक के साथ लिया, तो के क्यू ये किसका चार्ज है, पॉइंटो पे, दूसरा चार्ज कहाँ पे, ए पे माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितना है रूट थ्री बाई टू इंटू बी, ऐसे कितने टर्म्स है, एट टर्म्स, तो ये इक्वेशन है। यस साक्षी करेक्ट है बेटा, आपने वही आंसर दिया क्या? ये क्या किया आपने, ये साक्षी क्या तो भी गलत किया आपने, क्या कोई मिस्टेक है? सेम है क्या, 16 का सिक्स का सब्जेक्टिव का फोर माइनस आया तो फोर नीचे आएगा तो फोर, रूट थ्री भी करेक्ट है बेटा, सेम नहीं, एक बार देख लो आपका आंसर। ओके सो दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम, टुमारो विल कंटिन्यू सॉल्विंग सम मोर प्रॉब्लम्स एंड विल बी लर्निंग अबाउट सेल्फ एनर्जी एज वेल। ओके सो देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। अरे बाप रे 50 हो गया, कुलकर्णी सर आ गए। यस सर गुड मॉर्निंग, महेश कुलकर्णी सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर मैं आपको होस्ट बना दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। यस सर गुड मॉर्निंग। यस सर थैंक यू। Okay students, so we'll meet in tomorrow's class. Bye bye. Good morning students. Good morning friends, good morning all of you. So students, now I hope you are ready for maths. So I hope the board is clear and visible. Is the board clear?
Okay. So let's continue in vectors. As we have discussed, scalar product, that is dot product. Second was vector product, means cross product. And see the third one, it is a scalar triple product. Now, as the name is given, scalar, means this product is a scalar quantity. That is first thing, this product is a scalar quantity. Triple means it is a product between three vectors. Now here, when we take three vectors and when we are going to write the product and using the scalar and the dot and cross product, first of all, I am going to write here different combinations. Just observe and read these combinations. Don't write. In which we are going to discuss which combination of dot, cross and three vectors is valid. For example, see here. Just observe this carefully. If I take three vectors equal, so three vectors are required. So if I write three vectors as say A bar, B bar and C bar. If I write A bar dot B bar dot C. Listen, these are the three vectors. And what I represent here, A bar dot B bar dot C bar, is this product or is this representation valid or invalid? See here, when we take dot product of two vectors, then this quantity will be a scalar quantity. Just wait. Yes, students. So let's continue. See,
ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार मैंने लिखा है, लेकिन इसमें देखो क्या होता है, ए बार डॉट बी बार ये है स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी अगर होगी समझो स्केलर क्वांटिटी है एम एन एंड दिस इज द वेक्टर एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स डॉट प्रोडक्ट, बट डॉट प्रोडक्ट जो होता है ओनली डॉट प्रोडक्ट इट इज अ प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट जब हम लिखते हैं इट इज डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज invariant. Remember this. This A bar dot B bar dot C bar representation is invalid. Okay. Now, second, if I write A bar dot B bar multiplied by C bar, A bar dot B bar is a scalar quantity, C bar is another scalar, but there is not dot is not used, this representation represents, so if this is scalar one, then this is a scalar multiple, and since it is scalar multiple, so this is a value. So see the difference between these two carefully. So question can be asked, which of the following representations is invalid or which of the following is valid? First one, without bracket, it represents A bar dot B bar dot C bar is invalid. But this is A bar dot multiplied by C bar, this is scalar multiple of vector. So this dot product is, or this representation or combination is valid. Similarly, if I write A bar cross B bar dot C bar. Now say this, A bar cross B bar dot C bar. Now think of this students, is it valid or invalid? Can we say this as valid or invalid? In this case, there is no bracket used. So, it's not clear that whether to take cross product first or dot product first. But let us see what will happen if you take cross product first. If you take cross product first, then it should be in bracket. So if we represent this as it is, not valid. But if we represent this in the form of A bar cross B bar dot C bar, then this is vector product of two vectors is a vector, third one is a vector, and this is valid. It is valid. But see here, if I write like this, A bar cross B bar dot C bar, this is not valid or invalid. This is not valid. Why? Because this is cross product here. So second factor should be vector, but B bar dot C bar is a scalar quantity. So this is not valid. Okay. Now if I write this as, suppose it is A bar dot B bar cross A bar dot C bar, it is not valid. Why? Because there is dot product in scalar quantity, this is scalar quantity, and this is used for product of two vectors, vector quantity.
So this is not, these two are not vectors, so this is not valid. Now if I write A bar dot B bar cross C bar. Read this, A bar dot B bar cross C bar. Now this product is a scalar quantity. Why it is scalar quantity? Because this is the vector product, which is a vector, and if you write dot product between A bar, then this dot product is a scalar quantity. There are three vectors, A bar, B bar, and C bar. So this product is valid, and this is known as a scalar ripple product. Ye jo hai, fifth one, the sixth one, last one, this like vector A bar dot B bar cross C bar is a scalar ripple product. Three vectors are given, three distinct vectors, and there is combination of dot and cross. And next thing, here, this is a scalar quantity. This is a scalar quantity. Now this one, this is valid. But if you write in the form, this is also scalar ripple product. A cross B dot C is also scalar ripple product. Here three vectors are there, but this result is the scalar multiple of C bar. It is vector quantity, so this is not scalar ripple product. Even though there are three vectors, this is not scalar ripple product. So these are the two scalar ripple products which you can write as A cross B dot C or A dot B cross. Okay, so scalar ripple product is the product of three vectors. So you can write this scalar ripple product. If A bar, B bar, and C bar are three vectors, then A bar dot B bar cross C bar is called as scalar ripple product. Now the scalar ripple product can be represented by one more symbol. Now see here, this scalar ripple product can be represented by one more method. A bar dot B bar cross C bar equal to, now we have written these three vectors in a square bracket, right? Three vectors in square bracket with some space without any comma between them. Just these three vectors, these three vectors are separated by this method. And this is also represents scalar ripple product. And this scalar ripple product is also known as box product. It is also called as box product of two vectors. Okay. Now, here, if we consider these three vectors along, now see here. So what do you observe here? It is a parallelopiped. It is parallelopiped, not necessarily rectangular parallelopiped. Rectangular parallelopiped or a cuboid or cube. This I am drawing the head. So this is the cuboid, or you can say cube. Yeah, like cube. It is rectangular parallelopiped. It is a parallelopiped. Okay, in which if we consider three vectors, suppose vector along this side is A bar,
Vector along this edge of the W pi period is say V bar, and if this vector along this third edge, co-initial vectors, and this is C bar. If three vectors A bar, B bar, and C bar are represented by this concurrent edges of the W pi, then this value, which is a scalar quantity, A bar dot B bar cross C bar, is the volume of parallelogram. So remember this, it is volume of the parallelopiped. Now why it is volume of the parallelopiped? And we are going to discuss now. Generally, parallelopiped is the volume of the parallelopiped. What is the formula for volume of the parallelopiped? It is area of base into height. Okay, area of the base into height, ये होता है volume parallelopiped. Now see the base. अब ये जो base है यहाँ पर, I think this has O, A, B, C. ये जो base है, ये बेस है पैरेललोग्राम. एंड यस्टरडे वी डिस्कस इन पैरेललोग्राम, इफ टू वेक्टर्स आर अराउंड द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज बी बार क्रॉस सी बार. ओके, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस फॉर दिस पैरेललोग्राम? एरिया ओ ए बी सी. सो एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B bar cross C bar. Okay. Now B bar cross C bar is the area. Now you know that this B bar cross C bar, ये जो B bar cross C bar होता है, this is perpendicular to this base. Area is always that B bar cross C bar is always perpendicular to the base. So we can show this vector here. So this vector, it can be B bar cross C bar. Okay, so this is perpendicular. Now, for the height, for this height, we are going to draw perpendicular from vertex to the base. Okay, so this is the perpendicular. So I hope you can imagine this. From vertex, a perpendicular is drawn to the base, and this is the height. Okay, students. See here. अभी तक हमने क्या किया यहाँ पे? अभी तक हमने क्या किया था? ये A bar जो है, this A bar is along this side. Let this be. Now from P, draw perpendicular to the base. Suppose this is PM. So PM is perpendicular to the base of the parallelepiped. This is perpendicular to the plane containing B bar and C bar. So this PM will be parallel to this line, this B bar plus C bar. This is parallel. Now, अब ये जो vector है, ये है C bar. Now see here. Now this is the height. So area of base is this, and height. Height of parallelopiped is PM. Height of parallelopiped is PM. So this is now right angle triangle. PMO is right angle triangle. Now let this angle is theta. If this angle is theta and OP vector is OA bar, how we can represent this PM in terms of A bar? And we can represent this PM as magnitude of A bar. And see, this is adjacent component, adjacent to this angle theta. So this will be magnitude of A bar cos theta. Okay, so magnitude of A bar cos theta. Or even we can say this is the component of A bar along this PM. Now,
This PN is parallel to B bar cross C bar. So what is the angle between this B bar cross C bar and A bar? The alternate angles. If you observe the figure carefully, there are alternate angles. Correct. So this angle is also theta. So angle between angle. Now you have to take a volume. So first of all, I will write the volume of the parallelogram. Area of the base, and height. So what is height? Height is this. So area of base. What is area of base? It is magnitude of B bar cross C bar. And height is PM. And this is A bar, magnitude of A bar cos theta. Okay. Now, angle between A bar and B bar cross C bar is theta. Angle between A bar and B bar cross C bar is theta. So this product, I will be adding the terms. So let this as A bar, magnitude of B bar cross C bar cos theta. Now by definition of dot product, if angle between two vectors is theta, these two vectors are A bar and B bar cross C bar. If angle between two vectors is theta, then their dot product is represented by this magnitude of first vector, magnitude of second vector, and cos theta. So we can write this as A bar dot B bar cross C bar. And this is nothing but scalar triple product. So this. So remember, scalar triple product A bar dot B bar cross C bar represents volume of the parallelepiped whose co-terminus or co-initial vectors sides are represented by A bar, B bar, and C bar. So this is given just to know how this scalar triple product is volume of the parallelepiped. Okay, even if in theory question can be asked on this to show that volume of the parallelepiped with edges along A bar, B bar, C bar is A bar dot B bar cross C bar and is also known as the box product. Okay, students, is that clear? The relation between volume and scalar triple product? Yes, I hope this is clear to you. Yes, Nilesh, kya hua beta? Okay, yes, Nilesh, ye bahut difficult nahi hai. See, simple concept hai. Simple concept humne use kiya hai, Nilesh. Dekho, ye hai definition. Definition kya hai? A bar dot product ki magnitude of first vector, magnitude of the second vector, and cosine of the angle between them. So this vector is A bar. Ye jo vector hai, ye B bar cross C bar. Ab ye kahan se aaya B bar cross C bar? See this. B bar cross C bar is always perpendicular to plane containing this. इसका मतलब क्या हुआ? ये जो B bar cross C bar है, it is perpendicular to base. PM is also perpendicular to base. So these two angles are alternate angles and they are congruent. And this angle is theta. Why we consider this angle theta? To find the PM. This is PM. So this is also known as it is a scalar component of A bar along B bar. Okay, so this is scalar component of A bar on this means it is equivalent to PM, that is height. So height is this. This is the area of base, and area of base into height means it is volume of the parallelepiped. Okay, now we are going to study some important properties of this scalar triple product. Now let us study important properties of scalar triple product. First, now first of all, we are going to study the properties which are related to IJK components.
properties of I, Z, K unit vectors that you know. Unit vectors. Right. Okay. Here, first of all, A bar dot B bar cross C bar. A bar dot B bar cross C bar. And if you can write this in terms of I, Z, K components. This is A bar. If A bar is A1i, A2j, A3k, if B bar is B1i, B2j, B3k, and third C bar is C1i plus C2j plus C3k. If these are the three vectors in terms of rectangular components I, J, K, then this first product, that is A bar dot B bar cross C bar, we can calculate this using this determinant. And in determinant, simply we have to write these components in 3 by 3 arrangement, A1, A2, A3, B1, B2, B3. C1, C2, C3. So this value of determinant gives us the value of the box product. Okay. Now second thing, now in this determinant, see this is based on determinant. So you know the properties of determinant. So what are the properties of determinant? If you interchange any two rows, if I interchange any two rows of the determinant, then what will happen here, or what will the effect on the value of the determinant? Determinant changes only in sign. Means in case, if the value of determinant is 10 and if you interchange any two rows, then value becomes minus 10. So value of determinant changes if any two rows are interchanged. And
Okay, students. Yes, continue करते हम. बीच में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था. आवाज आ रही है मेरी? ओके. ओके स्टूडेंट, सो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था नेटवर्क का, अब शुरू हो गया. देखो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज. आई थिंक हम यहां तक थे तो ब्रेक हो गया. ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार जो है, इफ यू इंटरचेंज एनी टू वेक्टर्स, इस प्रॉपर्टी में क्या लिखा गया है, इफ यू इंटरचेंज पोजीशंस ऑफ और ऑर्डर ऑफ एनी टू वेक्टर्स, देन द वैल्यू ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट changes only in sign. Sign change only. देखो जैसे first में क्या किया है, यहाँ पर b bar और c bar are interchanged. A as it is in the first position, A as it is, b और c को interchange किया तो value negative हो जाएगी. यहाँ पर second में देखो c bar as it is, a and b are interchanged. These two are interchanged, so value is negative that of original value. And in third one, B bar is as it is in the second position, A and C are interchanged. So remember this, by interchanging any two vectors, the value of scalar triple product changes only in sign. Now see the second property. Yahan par kya hai? See, if I interchange all the three vectors in cyclic order. See here, A bar dot B bar cross C bar is equal to, now we are going to change order of these three vectors simultaneously, all the vectors, such a way that A bar is to be replaced by B bar, B bar is to be replaced by C bar, and C bar is to be replaced by A bar. And we call this as a cyclic change. All the three are replaced or interchanged in cyclic order. Again, B bar की जगह मैं लिखता हूँ C bar की जगह A bar, और यहाँ पर B bar. Means, see, अगर ये A bar है, ये बी बार, ये सी बार, और ये साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ये साइक्लिक ऑर्डर मींस ए बार इज टू बी रिप्लेस बाय बी बार इज रिप्लेस बाय सी बार, एंड सी बार इज टू बी रिप्लेस बाय ए बार. व्हेन वी इंटरचेंज ऑल द थ्री वेक्टर्स इन साइक्लिक ऑर्डर, the value will not change. देखो ये A bar, ये B bar और ये C bar. This is equal to B bar, C bar, A bar. And this is equal to C bar, A bar, B bar. This is the important property of scalar triple product. So note down this. Is that clear, these two properties? Okay, so when we simplify scalar triple product, then we need this properties. Now this property is next property. देखो if any one vector
is 0 vector. Means out of 3 vectors, if any one of these 3 is a 0 vector, then scalar triple product will be 0. So this will be 0 and not 0 bar, it will be 0 in the scalar quantity. If any one vector is 0, then obviously the scalar triple product becomes 0. If any two vectors are collinear, means out of 3 vectors, if any two vectors are collinear, then A bar bar, B bar cross C bar, the scalar triple product will be 0. Now, ye 0 kyun hoga? Ab yahan par dekho, when two vectors are collinear. Suppose, let B bar is parallel to C bar. Now, when two vectors are collinear or parallel, you know that the cross product is 0. And if cross product B bar cross C bar is 0, then it is clear that this dot product is also 0. So remember this, when two vectors are collinear, out of 3, any two vectors are collinear, then the scalar triple product is 0. And next one, which is also important property, so many questions are based on this. If A bar, B bar and C bar are coplanar, then A bar dot B bar cross C bar is 0. So when the scalar triple product of 3 vectors, or even when 2 vectors are collinear, or if one, in all these 3 cases, the scalar triple product is 0. But for value of 0, you must know the proper reason why it is 0. Here they are coplanar, all they are non-collinear, but they are coplanar. Means if all the 3 vectors are in the same plane or parallel to same plane. This is A bar, this is B bar, and this is C bar. If 3 vectors are coplanar, but how do you identify coplanar vectors? As already we have discussed in the previous topic that coplanar vectors are basically identified here. If any one of them is a linear combination of other two. Because for example, if M A bar plus N B bar is equal to C bar, means if any one vector is a linear combination of other vectors, then in this case, you can say that their box product is 0. Okay, this is H value. Any two vectors are collinear. Now, yahan kaise identify karenge two vectors collinear hain? If B bar is a scalar multiple of K ki jagah hum lete hain any other scalar, T C bar. T is a scalar here. Yahan par kya hai? B bar is a scalar multiple of T. Means they are collinear. Cross product 0. So, scalar triple product is also 0. Okay. So, this property, this is very important property. In the next chapter, that is line and plane, when we study the equation of plane, in that case, we are going to use these properties to derive the equation of the plane. So, when 3 vectors are coplanar, then their scalar triple product is 0. Next property is that here
a bar dot b bar cross c bar. अब देखो ये है a bar dot b bar cross c bar. We can write this scalar difference product as, now see this, read carefully, a bar cross b bar dot c bar. देखो क्या चेंज है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ए बार बी बार एंड सी बार आर इन द सेम ऑर्डर लेफ्ट टू राइट. ए बार बी बार सी बार ऑर्डर दोनों में सेम है, ऑर्डर इज सेम, बट व्हाट इज द चेंज, वैल्यूज आर इक्वल. बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर, क्या ऑब्जर्व किया आपने यहां पर, dot and cross can be interchanged. Okay, dot and cross can be interchanged. The value remains same. So note down these properties. Okay, students, now solve this question. If vectors minus 3 r cap plus 4j minus 2k, second vector r plus 2k and I minus PJ are coplanar. Find the value of. Now, just for the practice of this scalar product, see the question. Three vectors are given, and these three vectors are coplanar. So, if three vectors are coplanar, so let this a bar, a bar is minus 3r plus 4j minus 2k, b bar, right, b bar vector r plus 0j plus 2k, and c bar as r minus pj plus 0k. What is given? A bar, B bar, and C bar are coplanar. Therefore, A bar dot B bar cross C bar must be equal to zero. Scalar difference product zero jayega. Scalar difference product by determinant. First, we can lena hai A bar ke components. A bar ke components. Minus 3 and plus 4j minus 2k. So write the first row minus 3, 4 minus 2. Second row mein kya hai? I 0j 2k, and in the third row it is 1 minus 3 and 0k. And this value must be equal to 0. And by solving this determinant, you can find the value of p. So solve the determinant and find the value. So minus 3 into a 0 into 0 jayega 0,
and this minus 2p, but minus of minus 2p, this is plus 2, minus 4, that is rule of the determinant, minus 4 lena yahan par, 1 into 0, it becomes 0, minus 2, again minus 2 as it is yahan par, 1 into minus p, minus 0, equal to 0. Now you can solve this, minus 3 into 2p, ye ho jayega minus 6p, minus 4 into minus 2, it becomes plus 8, and minus 2p into minus p, that is plus 2p equal to 0. Now solve this and find the value of p. So this is by property of the coplanar vectors. When three vectors are coplanar, their box product is 0. So in this way, by using determinant, you can find scalar triple product. Now let us solve the next question. Here, box product yahan par. Ye A bar, second vector is B bar plus C bar, and third vector is A bar plus B bar plus C bar. Equal. First option hai, A bar dot B bar plus C bar. Second option, A bar plus C bar. Third option, 0, and fourth option, 0 vector. See, third and fourth option are different. Third is C is 0 and D option is 0 vector. Scalar and vector different. Now find the value of this scalar triple product. Follow me, scalar triple product. First vector, second vector, third. जैसे कि हमने देखा है अभी कि ए बार बी बार सी बार जब हम लिखते हैं तो कैसे होगा ये फर्स्ट वेक्टर ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार तो इन दिस वे कैन राइट दिस गिवन स्केलर वेक्टर तो फर्स्ट इज ए बार सेकंड इज बी बार प्लस सी बार एंड थर्ड इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार That is equal to a bar dot. अब हम bracket में second और third vector का cross product लिखने वाले हैं. Right cross product here. B bar plus C bar cross in bracket a bar plus B bar plus C bar. ये हो गया. Next, now using distributive properties of cross product, we are going to write expansion. So first of all, take this B bar and cross product. All the three second bracket. So this will be B bar cross A bar plus B bar cross B bar plus B bar cross C bar. Ye ho gaya first. Now take the second one C bar. Now write the cross product. C bar cross A bar plus C bar cross B bar and plus C bar cross C bar. Now, अब यहां पर देखो ये ए बार डॉट एज इट इज लिखना है राइट बी बार क्रॉस ए बार एज इट इज बट दिस टर्म बी बार क्रॉस बी बार बिकम जीरो वेक्टर टू वेक्टर्स आर कोलिनियर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो प्लस सेकंड दैट थर्ड वन बी बार क्रॉस सी बार एज इट इज यहां पर भी हम लिखने वाले हैं सी बार क्रॉस ए बार एज इट इज C bar cross B bar as it is and again 0. These two vectors B bar cross B bar and C bar cross C bar this product is ye ho gaya 0. Now further expansion distributive property of dot product. So take this dot product here. First is A bar dot B bar cross A bar ye to 0 hai A bar dot 0 bar 0 jayega. प्लस नेक्स्ट लेते हैं हम थर्ड वन
This is A bar dot B bar cross C bar plus, once again taking A bar dot C bar cross A bar plus A bar dot C bar cross B bar. अब इस स्टेप तक आ गए हम. नाउ रीड द टर्म्स केयरफुली एंड रेफर द प्रॉपर्टीज. जैसे अभी हमने प्रॉपर्टीज में देखा इफ एनी टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देखो इसमें ए बार रिपीट हो गया. दिस टू वेक्टर्स आर सेम सो दिस स्केलेटिपल प्रोडक्ट will be zero. Okay. Also, यहाँ पर देखो, these two vectors are equal, then this scalar product is also zero. देखो आप, अगर किसी को doubt है कि ये क्यों zero है, so see यहाँ पर, scalar product हम represent करते हैं determinant से. Okay. समझो a bar, अगर a bar suppose कुछ vector है a1 A2, A3, okay. C bar है C1, C2, C3. Again A bar है, क्या हो गया A1, A2, A3. See, हम discuss कर रहे हैं, why scalar product is zero when two vectors are equal. अब ये example देखो यहाँ पर, इसके लिए हमने लिखा है A bar dot C cross A, A bar in the first row as well as in the third row. Now there is one property of the determinants. I will give you that property. In the property of determinant, when two rows are identical, the value of determinant is zero. So according to this property, when two vectors are equal, then scalar product is zero. So here term was writing zero, and this term is also zero. Now see this. What about the first one? If this is zero, now I will get A bar dot B bar cross C bar. Now dekho, one more term is there. Plus, now see this one. This term. A bar dot C bar cross B bar. That is A bar dot B bar cross C bar minus A bar dot B bar cross C bar. अब ये last step में यहाँ पर minus लिखा है. क्यों लिखा है? Negative sign यहाँ पर. A bar as it is है. मैंने B bar और C bar को interchange किया. So when you interchange any two vectors, then value changes in sign. ये भी property देखी हमने. So when value changes in sign, and now see these two terms. They are equal. What is the result now? This result is. What is the result? Is it C option or D option? कौन सा option लेना है हमें? C या D? सोच लो students, कौन सा option लेना है हमें? C लेना है या D लेना है? यहां answer होगा C, क्योंकि ये है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर रिपल प्रोडक्ट, नाम ही स्केलर. सो दिस इज ऑप्शन सी. सो द रिजल्ट इज जीरो. अब ये जो मैंने एक्सपांशन दिखाया अभी, ये पूरा एक्सपांशन ये थ्योरेटिकल सॉल्यूशन है, लेकिन एमसीक्यू है. तो एमसीक्यू में हम ये अवॉइड नहीं कर सकते पूरा सॉल्यूशन इसका, सिंपल by using the property of scalar ripple product, you can guess the answer here. कैसे देखो? अब देखो ये जो vector है, अब यहाँ ये जो vector देखो, a bar b plus c and a plus b plus. Okay. Suppose this vector is b bar. ये second vector है q bar and third vector है r. अब देखो यहाँ पर. फर्स्ट वेक्टर क्या है? P बार, सेकंड है Q बार एंड थर्ड है R. एंड वी हैव टू फाइंड द स्केलर डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ दीस वेक्टर्स.
But if you observe here, P bar plus Q bar, R bar. If I add this, P bar plus Q bar is equal to R bar. I'm going right here. P bar plus Q bar is equal to R. P kya hai? A bar. Q kya hai? P bar plus C bar. And what is R? A bar plus B bar plus C bar. So P bar plus Q bar is R bar. इसका हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे? See here, when one vector is a linear combination of other two vectors, then vectors are coplanar. Okay, when one vector is a linear combination of other two vectors, then vectors are coplanar. So हमें इसलिए पता चलता है कि these three vectors P, Q, R coplanar. And when vectors are three vectors are coplanar, their symmetrical product is zero. इसका मतलब देखो, अगर आप ये properties learn करोगे, तो without ये expansion और simplification, इतना सब कुछ लंबा लिखने की जरूरत नहीं है. In short, we can directly find answer. These three vectors are coplanar. Then the symmetrical product is zero. Okay. So ये है importance properties का. So friends, today just revise all these properties. Revise all the properties of dot product, cross product, as well as symmetrical product. Okay. So next lecture में जब हम आगे questions solve करने वाले हैं. MCQs भी हो गए, so these properties will be helpful for you. Okay, students, any doubt in this question? या फिर in properties, किसी property में या फिर इस question में scalable product में? Yes, someone is there. Want to ask question? Who was that? Yes, someone was asking doubt. Yes, Rekha. Okay. See here, एक बार मैं लास्ट लाइन में फिर एक बार रिपीट करता हूं. ये जो क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया, इसमें जो सेकंड मेथड जो मैंने बताई, इसमें वो कैसे जीरो आना है. ये जो थ्री वेक्टर्स है, ये ऑब्जर्व करके हमें पता चलता है कि ये जो वेक्टर है आर, ये है लीनियर कॉम्बिनेशन पी और क्यू का. पी बार प्लस क्यू बार इक्वल टू आर. So in this situation, these three vectors are coplanar vectors, and for coplanar vectors, according to property, when vectors are coplanar, then their symmetrical product is zero. So the answer of this question is zero. And if you use this property, this simplification expansion is not required. But if question is in theory, then we have to prove by this method. Okay, question can be asked. Show that this is equal to zero. Now, in that case, we have to solve this with all the steps and properties. Okay, so today we stop here. Okay, in the next lecture, we are going to solve additional questions based on these vectors. Okay, so have a nice day. Friends, stay at home, stay safe.